हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आप लोग कैसे हो? तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सबको गुड मॉर्निंग। देख सकते हो गांव में कितना ज़्यादा सुबह सुबह काम होता है, और अभी बज रहा है 4 और मैं सोकर उठ चुकी हूँ। और मैं सोची कि आप लोग को आज सुबह का ब्लॉग बनाऊं और आप सबको मैं बताऊं कि मैं कितने बजे सोकर उठती हूँ। तो मैं तो डेली के डेली कभी 4 बजे का है, जब 3 बजे चाहे 5 बजे मैं सोकर उठ जाती हूँ। और अभी देख सकते हो कि मैं अभी धो रही हूँ जल्दी जल्दी से बर्तन, और अभी बहुत ज़्यादा काफ़ी हमारे घर बर्तन हो गए थे, तो मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। और आप सब हमारे ब्लॉग में बने रहो। आप लोग अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना प्यारा सा कीमती टाइम निकाल के आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत दिल से थैंक यू कि आप लोग हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अभी देख सकते हो आप लोग कि मैं बर्तन माँज रही थी और इधर हमारी जेठानी जी धो रही थी। मैं बोली कि रहने दीजिए और मैं कर लूँगी, लेकिन बोली कि नहीं रहने दीजिए, ज़्यादा बर्तन है तो मैं थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। तो अभी झाड़ू वाड़ू लग चुका है और घर की लिपाई भी हो चुकी है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। और जितने हमारे भाई बहन, हमारे प्यारे दोस्तों हमारी ब्लॉग देखते हैं, सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट मेरा करते हैं, अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारा ब्लॉग देखते हैं, तो आप सबको दिल से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप लोग ऐसे ही देहाती ब्लॉग देखने के लिए, रहन सहन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करें। आ गिर जाओगी, चल इधर। तो अभी देख सकते हो आप लोग कि हमारा बर्तन अभी सारा मजा चुका है और धोआ भी चुका है। ए लाटो, गिरेगी, गिर जाएगी। तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रहे हैं तो हमारी बेटी बहुत परेशान कर रही है, गिरना है क्या तुमको? तो अभी देख सकते हो आप लोग कि हमारा बर्तन अब धोआ चुका है और मेरा काम अभी ख़त्म हो चुका है यहाँ का बर्तन धोना। तो अभी देख सकते हो फाइनली, अभी तो मतलब सुबह सुबह में लाइट रहता है तो काम करने में उतना ज़्यादा मतलब आलस नहीं आती है। तो अभी देख सकते हो पूरा एकदम मतलब एकदम साफ़ सुथरा, सुबह का मौसम कितना प्यारा है, सुबह हो चुका है, पूरा एकदम फ्रेश हो चुका है मौसम। और अभी फाइनली देख सकते हो कि हम आ गए हैं किचन में चाय बनाने, और यहाँ पर दाल चावल अभी हो रहा है। तो फाइनली आप लोग हमारे ब्लॉग में ऐसे बने रहो और आप सब देखते रहो कि आज मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ। तो फाइनली दोस्तों, अपना कीमती टाइम निकाल के आप लोग हमारा ब्लॉग देखते हो तो आप लोग छोड़ के कहीं मत जाइएगा। आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो अभी आप लोग देख सकते हो कि हमारा चूल्हा कितना प्यारे से जल रहा है। तो फाइनली इधर हमारा दाल टूट चुका है, मतलब पानी वानी पड़ चुका है, अब दाल को फ्राई होगा। चावल भी पसाने लायक हो चुका है, तो हमारे यहाँ चावल तो पसा के हम लोग खाते हैं। और इधर घेवड़ा की सब्ज़ी बनने वाली है, भुजिया। तो फाइनली इधर देख सकते हो आप लोग, हम जा रहे हैं सब्जी को फ्राई करने, और आज चना और घेवड़ा एक ही में डाल के बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग के यहाँ बनता है या नहीं बनता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हम आप लोग को ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे एक ही चीज़ डेली डेली देखते हो, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं आप लोग को। इधर बैगन है 3, इसको फ्राई करेंगे चोखा बनाने के लिए। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो कि अभी चोखा मतलब बैगन अभी चूल्हा में डाला जाएगा फ्राई करने के लिए, फिर इसके बाद इसका चोखा बनाया जाएगा। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में ऐसे बने रहो। और फाइनली हमारे चना अभी इधर फ्राई हो रहा है और उसके बाद तब डालेंगे घेवड़ा। और आप लोग हमारे ब्लॉग में ऐसे आगे बने रहिए, प्लीज़ आप लोग ब्लॉग छोड़ के कहीं मत जाइएगा। तो फाइनली दोस्तों, अभी हमारी सब्जी हो रही है, तब तक हम लगा लेते हैं झाड़ू। तो अभी देख सकते हो सुबह के टाइम में, जानते हैं कि खाना जब बनता है तो मतलब गंदा तो हो ही जाता है। तो मेरा आंगन पूरा एकदम गंदा हो गया था, और छोटे जब बच्चे रहते हैं ना तो घर तो बहुत ज़्यादा ही गंदे होते हैं, इधर का सामान उधर रखते हैं और फैलाते ही रहते हैं। तो अभी फाइनली देख सकते हो हम लगा रहे हैं झाड़ू। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में ऐसे बने रहो, और आप सबको दिखा रहे हैं कि अभी हमारा झाड़ू लग रहा है, फिर उसके बाद अभी हमको बहुत ज़्यादा काम करना है। आज कपड़ा भी धोना है, क्योंकि डेली डेली तो हम कपड़ा साफ ही कर लेते हैं, लेकिन डेली डेली कपड़ा हो ही जाता है, क्योंकि घर में जब छोटा बच्चा रहता है ना तो आप लोग कितना भी काम करते रहिए लेकिन आपका काम ख़त्म नहीं होने वाला है। तो वैसे ही मेरा भी काम है,
तो डेली डेली काम तो मैं करते ही रहती हूँ, लेकिन काम तो मेरा कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, डेली के डेली हमारा वही काम रहता है। तो मैं आ गई हूँ जस्ट अभी, देख सकते हो अपने कमरे में। तो कमरे में आने के बाद अभी देख सकते हो कि हमारे कमरे की क्या बुरी हालत हो चुकी है। तो अभी हम पहले अच्छे से अपने बिस्तर को साफ़ सुथरा कर लेते हैं। तो अभी मतलब हम पन्नी बिछा दिए हैं नीचे, तो इसलिए बिछा दिए हैं गाइज कि क्या बोलते हैं ना, छोटा बच्चा है ना तो बहुत ज़्यादा माटी वटी लगता है, इसलिए पन्नी बिछा कर रखते हैं तो अच्छा होता है, उतना ज़्यादा कपड़ा वपड़ा गंदा नहीं होता। तो फाइनली अभी हम दूसरा चद्दर बिछा लेंगे और साफ़ उफ कर देंगे थोड़ा, और देखने में अच्छा नहीं लगता है। सुबह सुबह उठने के बाद तो पहले बिस्तर ही झाड़ने का काम होता है, लेकिन क्या करें, पहले सबसे ज़्यादा होता है मेन चीज़ झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, फिर उसके बाद जो भी काम है घर का काम करो। तो फाइनली अभी हम चद्दर बिछा लेते हैं और आप लोग हमारे ब्लॉग में ऐसे बने रहिए। तो अभी देख सकती हूँ कि आज हम यही वाला चद्दर बिछा लेते हैं, इसको मैंने कल धो दिया था तो अभी ये साफ़ है। तो पहले हम इसी को अच्छे तरीके से बिछा लेंगे और इसको मोड़ देंगे। पन्नी बिछा दी है ना तो मतलब सारा चीज़ मतलब सही से इस पर नहीं रह पाता है, सड़क जाता है नीचे, लेकिन जब तक जब दाब देते हैं ना तो उतना ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं होता है। तो अभी देख सकते हो आप लोग कि मेरा फाइनली बिस्तर लग ही चुका है, बस थोड़ा सा और इसको सही हुई कर देंगे और अभी उधर पहले जाएंगे चढ़ के, तब उसे उधर उस साइड का कोना के दाबेंगे। तो फाइनली आप लोग हमारे ब्लॉग में ऐसे बने रहो, और आप सबको हमारी ब्लॉग कैसी लगती है गाइज आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग को हमारी वीडियो अच्छा लगता है या नहीं। तो आप लोग तो मेरा बहुत सपोर्ट करते हो। तो फाइनली दोस्तों हमारा बिस्तर लग चुका था, तो फाइनली अभी हम आ गए हैं कपड़े धोने। हमारा थोड़ा सा कपड़ा था धोने के लिए, तो हम वही कपड़ा कल मतलब रात में ही फुला कर रख दिए थे सरफ में, तो उसको अभी हम धो मतलब ब्रश व्रश मार लिए हैं और पहले कपड़ा खंगाल लेते हैं। डेली डेली तो मतलब कपड़ा धोते ही रहते हैं, लेकिन डेली डेली जब कपड़ा यूज करेगा पहनेगा कोई तो डेली डेली तो धोना ही पड़ता है। तो अभी पहले जल्दी जल्दी से हम कपड़े अपना धो लेते हैं और आप लोग हमारे ब्लॉग में ऐसे बने रहो। ज़्यादा कपड़े नहीं, बस थोड़े से ही कपड़े हैं, तो इसको जल्दी से हम धो लेते हैं। उसके बाद अभी हमें थोड़ा सा बर्तन भी धोना है, तो अभी देखते हैं पहले बर्तन कपड़े धो लेते हैं गाइज, और आप लोग हमारे ब्लॉग में ऐसे बने रहो। और आप सबको हमारी ब्लॉग कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबको हमारी ब्लॉग अच्छी लगती है तो अगर हमारे चैनल पे आप लोग न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो। और मैं भी जानना चाहती हूँ कि हमारी ब्लॉग कहाँ कहाँ तक जाती है और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी ब्लॉग देखते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के और हमारी ब्लॉग देखते हो तो आप लोग ऐसा ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, आप लोग ऐसा सपोर्ट करते रहें। तो ठीक है, आप लोग ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहो। हमारी कपड़े धोआ चुकी है और पहले हम यहाँ पर रख देते हैं, पानी निकल जाएगा कपड़े का, उसके बाद हम इसको डालेंगे बाहर। तो अभी देख सकते हो आप लोग कि हमारा ये ना कपड़ा धोने वाला टूट गया है। तो अभी पहले दोस्तों देख सकते हो हमारा कपड़ा वपड़ा हम डाल दिए थे तो उसका ब्लॉग हम नहीं बना पाए थे, और इधर हम पहले अपने किचन को अच्छी तरीके से साफ़ कर दिए हैं क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब चूटी निकल गई थी और पूरा एकदम किचन को पहले हम धुले हैं अच्छे से, उसके बाद नीचे थोड़ा पानी गिर गया था ना, तो पहले इसको हम अच्छे से साफ़ कर देते हैं और लिप देंगे तो जल्दी से सूख जाएगा, नहीं तो इसी छोटे बच्चे उच्चे रहा है ना दोनों तो बहुत गिर हो जाएंगे तो चोट लग जाएगी, इसीलिए पहले हम इसको लीप देते हैं अच्छी तरीके से सूख जाएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है घर लीपना। और अभी देख सकते हो आप लोग हम पहले अच्छे से इसको साफ़ कर देंगे। और ठीक है फाइनली दोस्तों आप लोग हमारे ब्लॉग में ऐसे बने रहो। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो कि शाम हो चुका है और ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ शाम को, तो अभी मैं जा रही हूँ उठाने राख, क्योंकि चूल्हे में का राख उठाना है, सुबह में खाना बना था जो, तो उसका राख उठा देते हैं। इधर हमारी बिटिया नानी जो बहुत मज़े से खेल रही थी, देख सकते हो आप लोग खेलते ही रहती हैं, मतलब ये तो हमारी बेटी ये है, उतना ज़्यादा रोती नहीं है, जब तबीयत इसका ख़राब रहता है तभी रोती है। तो ठीक है दोस्तों आप लोग को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।